on its decks, and the fit. The cook sings merrily on the mango trees, children play in the evening breeze, far from the noise and smoke of the city, my friends stand in this piercing beauty. हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे से हम लोग कार्य भी करते हैं, काम भी करते हैं, जितनी सारी सफाई रहती है उसको भी हम सफाई में सब हाथ बटाते हैं। स्कूल में आलू का पानी नहीं मिलता था और धोने के लिए हाथ नल था, यहाँ पर टोटना 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर आती हूँ इस विद्यालय में पढ़ने। ऐसा विद्यालय आज तक मैंने कभी नहीं देखा कहीं पर भी। ऐसा अगर हो तो आप लोगों से मेरा निवेदन है उसी विद्यालय में पढ़ें। गार्जियन का एक सोच है प्राइवेट में अधिक पढ़ाई होती है और जो है सरकारी में पढ़ाई कम होती है, मगर ऐसी बात नहीं है, यह धारणा गलत है। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं उनके बच्चे हैं, हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जो सफाई वगैरह या सामान वगैरह जो आता है उसमें कम पैसा पड़ता है, तो हम सब जो ये अध्यक्ष लोग हैं और सदस्य लोग हैं ये सब पैसा थोड़ा थोड़ा कम मिला करके और पूरा कर देते हैं कि स्कूल की अच्छी देख रेख रहे या आगे चले। हम लोग शिक्षा को एक बोझ की तरह नहीं देते उनको, बल्कि एक खेल की तरह देते हैं। ये नहीं कहते कि चलो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आप इसको सीखिए। हम उनके सामने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कोई बहुत आसान चीज़ है और आज इसको खेल खेल में सीखा जाए। जैसे जोड़ सिखाना है तो बोर्ड पर पहुँच के सवाल लिख दिया और चलो बच्चों इसको जोड़ के बताओ, ऐसा कुछ नहीं। बीच बीच में बच्चों के साथ खेलते भी रहते हैं, उनके बीच में जाके बैठते भी हैं और नए नए TLM के किट हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं और उसकी सहायता से किट की सहायता से और साइंस के उपकरणों के साथ हम पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में स्लाइड भी रखी हुई है, दूरदर्शी भी है और तमाम तरह की स्लाइड है, रेडीमेड अमीबा पैरामीशियम बच्चों को दिखाते भी हैं। जो आप BSc में जा करके देखेंगे उसको आप यहीं देख लीजिए, उसको दिखाने से एक लाभ होता है कि उनका रुचि विज्ञान के ऊपर बढ़ता है। इस एज में अगर वो चीज़ें देखेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। गार्डन में बच्चों के जो श्रम का महत्व पता चलता है, बच्चे जानते हैं कि कितना मेहनत खेती में लगता है। वो उनको कुदाल भी दी जाती है, खुरपी भी दी जाती है ताकि वो पौधों की सुरक्षा करें, पौधे लगाते भी हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको पानी वगैरह भी देते हैं, इससे पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहता है। हम इस मामले में लकी हैं कि हमारे प्रधान जी बहुत अच्छी हैं और इनका भरपूर सहयोग है, कभी किसी की रोका टोकी नहीं करती हैं। जो आपकी इच्छा हो जैसा भी आप बजट यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। जो कारोबार चल रहा है हम आप इसके लिए कोई आरोप नहीं लगाते हैं, हम सब के बारे में बोलती हूँ, बच्चों लोग को कोई परेशानी ना आने पाए और हमारे स्कूल की नाम और काम बढ़ते रहे। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। बस सर जिस हिसाब से काम करते हैं उनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सर जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से अगर उनके जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके गार्जियन भी हम लोगों को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को अगर हमने यहाँ पे होमवर्क दे दिया तो बच्चे डर के मारे कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर गायब हो जाएंगे, स्कूल ही नहीं आएंगे। तो हम लोग फोन करते हैं तो बच्चों गार्जियन को चाहिए कि उनको रेगुलर स्कूल में भेजें, अपनी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग देखें कि हाँ हम लोग अगर रेगुलर स्कूल भेजेंगे या ध्यान देंगे बच्चों के ऊपर कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ स्कूल के भरोसे ना छोड़ दें कि हाँ स्कूल में हमने नाम लिखवा दिया तो छोड़ दें। तो थोड़ा ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो शायद हम लोग और मेहनत कर पाएँ, बच्चों को और आगे ले जाएँ।